तो फाइनली गाइस फैंस को जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का, अब टाइगर 3 को रिलीज होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। जा दोस्तों, कल यानी कि 12 नवंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, वो भी दिवाली के खास मौके पर। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहां पर एडवांस बुकिंग को लेकर बहुत तगड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है और उम्मीद है कि अपने फर्स्ट डे पर यानी कि कल 12 नवंबर को फिल्म टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करती हुई हमें नजर आएगी, क्योंकि दोस्तों इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी ये फिल्म कल पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइगर 3 अभी तक टोटल कितनी एडवांस कर चुकी है अपने फर्स्ट डे के लिए, और फिल्म कल यानी कि 12 नवंबर को ओपनिंग डे पर इंडिया के अंदर कितनी कमाई करेगी, ओवरसीज से कितनी कमाई करेगी, कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में फिल्म का पहले दिन का कितना कलेक्शन रहने वाला है, फिल्म को कितनी स्क्रीनें मिली है, कितना बजट है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म टाइगर 3 की, तो टाइगर 3 का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था। जा दोस्तों बहुत ज्यादा इंतजार था और यही वजह है कि फिल्म के लिए बहुत ज्यादा क्रेज हमें देखने को मिल रहा है। पहले ही से ही फिल्म के मेकर्स बहुत बड़े लेवल पर इस फिल्म को रिलीज करना चाहते थे। फिलहाल स्क्रीन काउंट जो ऑफिशियली अपडेट है वो आ चुका है। आपको बताता चलूं मैं कि टाइगर 3 को पूरे इंडिया के अंदर 5,500 स्क्रीनें मिली है। जा दोस्तों ऑफिशियली रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, 5,500 ने फिल्म को इंडिया के अंदर तमिल तेलुगु हिंदी तीनों भाषाओं में, वहीं फिल्म को ओवरसीज से कम 3500 स्क्रीनें मिली है और कुल मिला के 9000 स्क्रीनों पर यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। शाहरुख खान की जवान के पास 10,000 स्क्रीनें थी, लेकिन जवान से 1,000 स्क्रीनें कम है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जवान, पठान, गदर 2 जैसी फिल्मों को टाइगर 3 पीछे छोड़ेगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल जिस तरह से हमें क्रेज देखने को मिल रहा है फिल्म टाइगर 3 का, वो वाकई शानदार और काबिले तारीफ है। आपको बताता चलूं मैं, टाइगर 3 एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है मनीष शर्मा ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने। फिल्म में हमें इमरान हाशमी, कटरीना कैफ और सलमान खान नजर आएंगे, तो वहीं स्पेशल कैमियो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का भी हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, तो वहीं फिल्म को पूरे वर्ल्ड में लगभग 9,000 स्क्रीनों पर रिलीज किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं फिल्म की एडवांस बुकिंग की, तो दोस्तों ये शाम के 7 बजे तक की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं और अभी 5 घंटे एडवांस बुकिंग और चलेगी। जहां दोस्तों पूरी अपडेट मैं आपको दूंगा कि 5 घंटे में और कितनी एडवांस हो सकती है और कल फिल्म फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन करने वाली है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर के अंदर 17% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 1,550 शोज हो चुके हैं। जहां दोस्तों दिल्ली एनसीआर में 17% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, 1,550 शोज हो चुके हैं, जिसमें से 110 शो जो है वो ऑलमोस्ट फुल है और 90 शोज फास्ट फिलिंग है। मुंबई के अंदर 20% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 1,400 शोज हो चुके हैं, जिसमें से 100 शोज ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 150 शोज ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग है। पुणे के अंदर 9% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 500 शोज हो चुके हैं, जिसमें से 20 ऑलमोस्ट फुल है और 30 फास्ट फिलिंग है। बेंगलुरु के अंदर 20% की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 600 शोज है, जिसमें से 90 शोज ऑलमोस्ट फुल है और 90 यहां पे फास्ट फिलिंग है। हैदराबाद के अंदर 30% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 500 शोज है, जिसमें से 115 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 120 फास्ट फिलिंग है। कोलकाता के अंदर 35% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 500 शोज है, जिसमें से 130 शोज ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है, और 100 शोज ऐसे हैं जो फास्ट फिलिंग है। अहमदाबाद के अंदर 10% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। फिल्म के पास 900 शोज है, जिसमें से 15 ऑलमोस्ट फुल है। यहां पे अहमदाबाद में शोज तो काफी है, लेकिन ऑक्यूपेंसी उतनी ज्यादा इजाफा यहां पे देखने को हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है क्योंकि कल दिवाली का दिन है, तो हो सकता है कि परसों ये ऑक्यूपेंसी में हमें काफी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिले। चेन्नई के अंदर 70% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में। जी दोस्तों, चेन्नई के अंदर
70% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी, 120 शोज हो चुके फिल्म के पास, जिसमें से 90 शोज ऐसे जो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 15 यहां पे फास्ट फिलिंग है। सूरत के अंदर 7% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है, जयपुर के अंदर 15% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। सभी शहरों से बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, मेघालय, यहां पे सभी जगहों पे बहुत ही बढ़िया ऑक्यूपेंसी दर्ज कर रही है फिल्म सलमान खान की टाइगर 3। लेकिन फिलहाल बात करूंगा मैं फिल्म की, अभी तक टोटल कितनी एडवांस हो चुकी है, और ये 5 घंटे पहले का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि 5 घंटे अभी फर्स्ट डे के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग और चलेगी। तो फिल्म अभी तक इंडिया के अंदर 20 करोड़ रुपए की एडवांस कर चुकी है। जहां दोस्तों 20 करोड़ रुपए की एडवांस कर चुकी है, और मुझे लगता है कि कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग टाइगर 3 और कर लेगी, और फिल्म की जो फाइनल एडवांस है वो कम से कम 22 से 23 करोड़ रुपए रहेगी। जहां दोस्तों 22 से 23 करोड़ रुपए फाइनल एडवांस बुकिंग होगी टाइगर 3 की, क्योंकि फिलहाल जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं ये 7 बजे तक का है, और 7 बजे तक फिल्म ने 20 करोड़ रुपए की एडवांस कर ली है। तो मुझे लगता है कि फिल्म अपने फर्स्ट डे पर, यानी कि कल जब रिलीज होगी, तो इंडिया के तमिल, तेलुगु, हिंदी तीनों भाषाओं में कम से कम 45 करोड़ रुपए, जहां दोस्तों कम से कम 45 करोड़ रुपए इंडिया से नेट करेगी। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन रहेगा वो कम से कम 55 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। अगर मैं ओवरसीज की कमाई की बात करूं तो दोस्तों कम से कम 40 करोड़ रुपए फिल्म ओवरसीज से भी करेगी, और फिल्म का जो फर्स्ट डे पर कलेक्शन रहेगा वो कम से कम 90 से 100 करोड़ रुपए के बीच में रहेगा। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, 90 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए के बीच में टाइगर 3 दिवाली वाले दिन ओपनिंग ले रही है। लेकिन दोस्तों ये दिवाली का दिन है, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं, यहां पे लोग बिजी रहेंगे, उतने सिनेमाघरों में नहीं जा पाएंगे, इसी वजह से टाइगर 3 का जो खास दिन है, टाइगर 3 का जो सबसे बढ़िया दिन रहेगा वो रहेगा मंडे का, यानी कि फिल्म का सेकंड डे बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी आपने कौन से शहर, कौन सी सिटी में फिल्म टाइगर 3 का टिकट बुक किया है कमेंट में जरूर बताइएगा।